हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज देखिए, तीन दिन से लगातार ठंड बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कल भी मेरा एग्ज़ाम था, आज छुट्टी है और कल फिर मेरा एग्ज़ाम है। गाइज मैं टाइम पर अपने ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही, कभी शाम हो जाती है कभी दोपहर को डाल देती हूँ, इसलिए मेरी कोई अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हुई है। और आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी लेट ही कर रही हूँ क्योंकि दोपहर के 3 बज गए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो प्लीज़ भी इतने कम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर आप ऐसे हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो प्लीज़ गाइज हम ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप हमें आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। अगर आगे से मेरे ब्लॉग टाइम पर अपलोड होंगे तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बाहर का नज़ारा। ऐसा ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरा बड़े वाला बेटा करेगा, थोड़ा सा खेतों का व्यू दिखाएगा आपको। तो देखिए, हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू। ये देखिए मेरे दोनों बच्चे कैसे लड़ाई कर रहे हैं साइकिल के पीछे। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं दोबारा से आया हूँ खेतों में। सोच रहे हो कि खेतों में ही आके व्लॉग बना जाता है, पर भाई मेरे को खेतों में आना बहुत पसंद है क्योंकि खेत यार मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। हरी भरी जगहें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि यहाँ देखो, ये देखो हर जगह हरा भरा फीलिंग अच्छा लगता है मेरे को खेत में आके थोड़ी देर बैठना, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। अब सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं, और क्या बोलते हैं, धुंध भी पड़ रही है। अभी काफ़ी दिन से धुंध ही पड़ रही है, 2 दिन से। और बाढ़ भाई मेरे नहीं क्यों चिपचिपे लग गए, ये ठीक है। तो गाइस और कुछ भी नहीं है, काफ़ी दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया था मैंने। मैंने सोचा आज बना ही लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, पेपर चल रहे थे, पेपर चलने के बाद काम भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन से पढ़ाई करने में लगा हुआ था और एनडीए के पेपर आने वाले हैं। सोच तो रहा हूँ पढ़ने की, पर घर वाले मना कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर 12th के अंदर होना ही चाहिए बच्चा, तब एनडीए के पेपर दे सकता है। तो मैं सितंबर वाले पेपर दूँगा, देखते होएगा नहीं होएगा। पर भाई बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, बिल्कुल हरी भरी जगह है, सड़कें भी बिल्कुल खाली हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, धुंध कोहरा हुआ है, ज़्यादा कोहरा नहीं होता, कम हुआ है, सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे कि आपने व्लॉग्स में देख ही रखा होगा। सामने से आदमी आ रहे होंगे, काम चल रहा है, गन्ने कट रहे हैं, काफ़ी अच्छा हो, देखो चांद अभी से दिखाई देने लग पड़ा है, काफ़ी सुंदर जगह है। और यहाँ पे अपने भैंस गायों के लिए चारा काट के लेके जा रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है और क्या यार। और वहाँ देखो गन्ने काट रहे हैं, फिर इन्हें मील में जाके बेचेंगे, फिर इनकी चिन्नी बनेगी जिनको हम चाय पानी खाना, खाने में क्या बोल रहा हूँ, हलवा बना के खाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो बस मैं यही दिखाना चाह रहा था कि सर्दियाँ चालू हो चुकी, मोदी के पास आज के जहाँ पे हम गर्मी में आके नहाते हैं, पानी बहुत गंदा हुआ हुआ है, कुछ दिखाता हूँ, काफ़ी गंदा पानी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही गंदा पानी हुआ है, कोई फ़ायदा भी नहीं आने का। और गाइस न्यू ईयर भी आने वाला है, सिर्फ 4 दिन, चार आज 28 हो गया, नहीं सिर्फ 3 दिन बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है, भाई साल पता नहीं कैसे कट जाते हैं। और तो कुछ नहीं, बहुत अच्छी भाई मज़ा आता है मेरे को तो खेतों में आने में। और आपको कुछ मैं सीन्स दिखाता हूँ, जैसे कि शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ।
तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और कुछ वैसे कुछ भी ना था, बस दिखाना चाहता था कि खेतों में क्या हाल चाल चल रही है। और वही यार, मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी लगती हैं मुझे, पता नहीं क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल बी सेफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। क्या हो गया रे, बदना हो रहा, बंद तो हो जा। मम्मी 2 मिनट के लिए फोन देना, देखना मम्मी, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा, इसलिए फोन दे दो, बाय गाइस, थैंक्स। तो देखिए गाइस, मैं अपने ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।